हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजरात। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं निकल रहा हूँ अजमेर के लिए, जो कि राजस्थान में। और कल ये यहाँ स्टे किया था मैंने, एकदम घटिया होटल है ये वाला, एकदम घटिया। ढंग से बेड है कुछ है। अभी हमको हो गया है लेट, कल पड़ा वो अजमेर के लिए। और अजमेर में जा रहा हूँ अपना पालनपुर का रूट होके, जो माउंट अबू ऐसा कुछ नाम है, और वहाँ पे गाँव होके जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सूरज देवता के दर्शन, तो ये था हमारा गुजरात। अभी मैं आ चुका हूँ जयपुर अजमेर हाईवे पे, ये वाला। अभी जितना हो सकता है उतना भगाता हूँ और सीधा ब्रेकफास्ट के लिए रुकता हूँ। अभी टाइम बच चुका है 6:37। अभी जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे और भगाएंगे भी, क्योंकि बाद में एक बार धूप सर के ऊपर आ गए ना तो गाड़ी चलाने के लिए तकलीफ होती है और गाड़ी भी गर्म हो जाती है। तो इससे अच्छा अभी सुबह सुबह थोड़ा मौसम ठंड है, अभी भगाते हैं। अभी दो दिन से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। कल रात को भी मैं 12:30 कुछ पहुंचा है, फिर नहा धो के सब करके 2 बजे सो गया हूँ। और अभी 5 बजे उठा हूँ। हर रोज मेरे को 2-3 घंटे ही नींद मिल रहे। गांधीनगर गुजरात में है अभी भी हम लोग। अभी हम अजमेर जा रहे हैं मेहसाणा पालनपुर के रूट से। ये मेहसाणा पालनपुर ये रूट जाता है। रास्ता काफ़ी अच्छा है, देखते हैं अगर ट्रैफिक ना मिले बस कल के जैसा। अभी गोवा से निकले हुए मेरा टोटल 1100 किलोमीटर हो चुका है, 1150, क्योंकि मैंने निकलने से पहले देखा था कुछ 20,100 इतना ही कुछ चली थी स्कूटर पहले गोवा से निकलने पहले। अभी 24,286 हुआ है। आज का डे 3 है और आज के दिन का ये पहला टोल मिला है मेरे को। ये देखो ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है अभी। ऐसा हुआ तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, 8 घंटा लगेंगे। बाइक देख लो गाइस, वो भाई हाल ही
और एक MH-12। ये आ गया अभी आज का सेकेंड टूल। साइड से निकलते हैं। चलो यहाँ पे फिल अप करते हैं, पहले गाड़ी को ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर हम लोग करते हैं। फुल कर दो। वैसे अभी टोटल 340 का पेट्रोल आया है गाड़ी में। अभी यहाँ पे गुजरात में सस्ता है, ये राजस्थान में महंगा होगा पेट्रोल। तो जब वो गुजरात बॉर्डर आएगा तब फिर से फ्यूल अप करवा देंगे। तो गाइस अभी फ्यूल अप करके निकल गए हो, मेहसाणा करके कुछ गाँव है वहाँ पे, वो भी देख लो। ये देख लो यहाँ पे वैक्सीन का ये बना है, देख लो कैसे। अभी यहाँ पे मैंने किया था छोटा सा ब्रेकफास्ट, ये देखो अच्छी छाव मिली है स्कूटर को। अभी टाइम बज चुका है 9:10, तो अभी नॉन स्टॉप 11 बजे तक चलेंगे, देखते हैं। और कल रात को गूगल आंटी ने धोखा दे दिया, वहाँ पे एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर अलाउ नहीं है, फिर मेरे को वो रास्ता एक्सप्रेस वे से दिखा रहा था, तो मैं एक्सप्रेस वे से गया। बाद में टोल पे मेरे को बोला कि यहाँ से टू व्हीलर अलाउ नहीं है करके, फिर रॉन्ग साइड से थोड़ा 5 किलोमीटर आना पड़ा। और बाद में गाँव में से निकल के ऐसे वाले हाईवे पे आना पड़ा मेरे को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्कूटर पे लद्दाख जा रहा हूँ करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो है उसे आप जा सकते हो, आपके पास हिम्मत रहना चाहिए जाने की। ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं ले सकते अरे वो, मुझे स्कूटर पे करना ही था, मेरे इस वाले स्कूटर पे एक्सेस पे लद्दाख राइड करना ही था किसी भी हाल में, तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी। आपको राइड करने के लिए बड़ी बड़ी बाइक चाहिए ऐसा नहीं है। अभी 55 किलोमीटर चलाया है मैंने और यहाँ पे मस्त छाव मिले, तो थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। ये देख लो, ये हाईवे है साइड में। तो गाइस अभी हमने राजस्थान एंटर किया है, यहाँ पर ही 1 किलोमीटर पे ही है राजस्थान बॉर्डर। अभी यहाँ पे रुका था थोड़ा वॉशरूम के लिए। लगता है कल राजस्थान में बारिश हुई थी यहाँ पे, क्योंकि सभी जगह पे पानी भरा हुआ था, ये देखो ऐसा गीला हुआ है। अभी यहाँ से अजमेर है 360 किलोमीटर समथिंग, 360 या 380 ऐसा कुछ तो है। ये देख लो राजस्थान के नज़ारे। अभी सुबह से रास्ता 1 नंबर मिला है, अभी बस खराब रास्ता और ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि कल जो ट्रैफिक मिला है ना भाई, अरे बाप रे, लाइफ में कभी नहीं देखा इतना ट्रैफिक। पूरे 6 लेन हाईवे पे पूरा ट्रैफिक भरा हुआ था ट्रकों से गाड़ी से। I'm so forget about
आज देख लो पूरे काले बादल छाए हुए हैं। अजमेर वाले रोहन भाई ने मैसेज किया है कि आज अपने घर रुक लो करके, देखते हैं पहुंचने के बाद क्या होता है। लगता है बारिश मिलने वाली है हमको आगे भाई, बारिश ना मिले बस। सभी सामान अंदर रखा हुआ है ना, रेनकोट वगैरह। अभी हमको यहाँ पे मिली है बारिश। मैं यहाँ पे आ गए वो होटल आनंद में लंच करने के लिए। अभी लंच करते हैं फटाफट, क्या है देखते हैं खाने में, फिर खा के निकलते हैं। लोग नाश्ता करके बाहर निकले तभी होने लगी बारिश, और अभी धूप निकली है। चलो लंच भी करके हो गया, अभी निकलते हैं। यहाँ पे ना एक भी पंचर शॉप नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही दिखा था, वो भी ट्रकों का था शायद। पंचर निकलने वाला फिर मैकेनिक वाला कोई भी नहीं है इस रूट पे, और पूरा रेगिस्तान जैसा है देख लो। पेट्रोल पंप तो बहुत मिलेंगे, फिर रेनबो देख लो क्या मस्त आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये देख लो कैमरा में जस्टिस हो रहा है कि नहीं पता नहीं। ये देख लो क्या मस्त दिख रहा है रेनबो। और अभी अजमेर है यहाँ से 147 किलोमीटर और बीवर है 86 किलोमीटर। अभी मैं पक चुका हूँ यार चला चला के स्कूटर, क्योंकि स्ट्रेट ही रोड है, इससे रोड पे ज़्यादा नींद आ जाए यार। यहाँ पे देखो स्टैचू बना हुआ है, हनुमान जी का मूर्ति है यहाँ पे देख लो, जय हनुमान। चलो देखते हैं जाके। देख लो अभी मस्त दिख रहा है, देखो रेनबो डार्क दिख रहा है अभी, देखा सही है सही है। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? लगते हैं अभी फिर से बारिश आने वाली है। ये देखो बूंदा बांदे हो रही है चालू।